मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत पीडब्ल्यूडी विभाग करीब 5 बछर पहली मनोहरपुर हाई स्कूल के आधा अधूरा निर्माण करा के शिक्षा विभाग ला दे रही। आज स्कूल के हालत ज्यादा खराब है। स्कूल के छत ह जर्जर हो चुके हैं, जेकर ले पानी टपकत है और दीवार मन में दरार आ गए है। क्लासरूम कम होने के कारण एक रूम ला दो भाग में शिक्षक मन के द्वारा बांट दिए गए है। रोड नहीं होने के कारण स्कूल तक जाए में लड़का मन ला बहुत ज्यादा परेशानी के सामना करेला पड़ते। तो हमला ये दिक्कत है कि स्कूल पूरा तरह से बन नहीं पाए हुए, अधूरा छूट गए, तो छत से पानी टिपकत, मतलब सीपेज आवा थे हुए, और यहाँ तक बरसात के मौसम में हमला ये दिक्कत ला झेल पड़ते कि रोड बने नहीं है अभी तक के सही हिसाब से। विद्यार्थी मन ला शिक्षक मन ला पूरा दिक्कत हुआ थे आए में, और स्कूल में सही ढंग से कुछ हो नहीं पावते। जैसे कि अभी कोरोना महामारी में ऐसे है कि पानी के जो समस्या, जैसे कि टंकी लगवाना चाहिए स्कूल में, और समस्या है जिन विद्यार्थी मन जूझा थे वह। गवर्नमेंट से यही निवेदन करबो कि ये समस्या जल्दी से जल्दी दूर करें। है सीपेज आता है दीवालों से, और जो ऊपर से पानी बरसता है वो ना सीढ़ियों के द्वारा नीचे जमीन में आ जाता है। हाँ, वो आधा अधूरा बना है, उसको पूरा करना चाहिए। हमें ला जब स्कूल आथन तब रास्ता में बहुत ज़्यादा कीचड़ होते, ओखर से हमें लाए बहुत ज़्यादा दिक्कत होते। कई बार ऐसे होते कि गिर जाता, और जो कबल थे गाय का वहाँ से हटाना चाहिए, साइड में रखना चाहिए, और रास्ता ला क्लियर करना चाहिए, पक्का बनाना चाहिए। वास्तव में ये बात सत्य है कि स्कूल का भवन जो है अधूरा ही निर्माण हो पाया है, सामने का हिस्सा जो है नहीं बन पाया है, और छत से पानी जो है सीपेज मार रहा है, जिसकी वजह से बैठक में बच्चों को असुविधा हो रही है। और दूसरी बात, यहाँ जो पहुँच मार्ग है विद्यालय का, पहुँच मार्ग है बस्ती से, वो मार्ग भी आधा अधूरा बना हुआ है, उसमें कीचड़ रहता है, तो बरसात में बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसके बारे में हम पिछली मीटिंग हुई थी, उसमें सर से चर्चा किए थे, और उसमें बताया गया कि निर्माण कार्य में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद ही बन पाएगा।